हे गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल निर्मोम कांचन। सो गाइज, यहाँ पर चल रहा है गमलों को पेंट। और ये जो पॉट्स है ये एक्चुअली इसके हैं, क्या बोलते हैं, फाइबर के हैं, तो इसी वजह से काफ़ी पुराने हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए थे इस घर में रहने के लिए, तो शायद एक साल के बाद हम लोगों ने ये वाले लिए थे और इसमें पाम ट्री लगाए थे। कुछ पाम ट्री जल गए थे, उसके बाद और पाम ट्री लगा दिया हम लोगों ने। तो ये ऐसे ही इसमें ही पाम ट्री के लिए ये बड़े बड़े वाले गमले लिए थे। और इसका कलर देखो, बाहर रखने से ना थोड़ा सा चला गया, थोड़ा सा क्या, बहुत ही मतलब दिख ही नहीं रहा है। डार्क ब्राउन कलर के थे ये, और अभी देखो कैसे लग रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, इसे पेंट कर देती हूँ। तो इसे ना वाइट पेंट कर रही हूँ। आप लोगों ने बोला था वाइट पेंट करना थी, तो मैंने सोचा चलो वाइट पेंट का आइडिया बहुत अच्छा है। और वाइट पेंट बचा हुआ भी है, तो क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा लाया था, तो इसी वजह से जो स्टैंड है उसे भी वाइट पेंट कर देती हूँ। और इसे भी थोड़ा सा ज़्यादा भी लाना पड़े तो चल जाएगा, क्योंकि इसमें से बचा हुआ है तो ये भी लगा देंगे और भी लेके आएंगे। तो ऐसे करके हम लोगों ने वाइट पेंट लगा दिया। तो ये इन्होंने सिंगल कोट इसको लगा दिया है, और अभी मैं डबल कोट करने ही वाली थी इसे। सडनली बारिश स्टार्ट हो गई और बाद में कुछ भी कर नहीं पाई। हम लोग डबल कोट करने ही वाले थे तब तक बारिश स्टार्ट हो गई। तो फिर भीगी गए थे, तो हमने सोचा कि चलो ये क्लीन कर ही लेते हैं अभी बारिश में। और बारिश में ये सब कुछ क्लीन कर लिया। ये देखो, यहाँ पर पत्ते वगैरह गिरे थे, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे शू थे जो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, जो बच्चों के छोटे हो गए थे या ऐसे ही पड़े थे, तो वो सारे शू डाल दिए। उसके बाद ये देखो, एक बाल्टी में मैंने जमा कर लिए। उसके बाद ये सारा कचरा जो है अभी बाहर डालना है। दूसरे दिन जो कचरा वाले भैया आएंगे तो फिर कचरा लेके जाएंगे, मतलब कचरे की गाड़ी आएगी, वो कचरा लेके जाएंगे। तो ये इसे बाहर रखना है, सब कुछ वो जो मेस है वो बाहर रखना है। और अभी ये सही टाइम था, मैंने सोचा ऊपर का पानी भी आ रहा है, अभी पानी भी देना नहीं पड़ेगा। मतलब पानी का एक हाथ में पाइप और एक हाथ में वो नहीं होता है मुझसे, तो इसी वजह से वो मैं कर रही हूँ। और देखो भीग कितनी गई हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि चलो अभी ये कर लेती हूँ, उसके बाद नहाना ही है मुझे अच्छे से, तो इसीलिए क्लीन कर रही हूँ। और क्लीन हो गया है अच्छे से यहाँ का। और जो है वो पॉट वॉट लगाए हमने, वो सब कुछ आपको दिखा दूँगी थोड़ी देर के बाद। अभी ना सारे पॉट को, मतलब सारे नहीं हुए हैं, दो तीन ही पॉट हुए हैं, उसे सिंगल कोट ही हुआ है, और उसके बाद वो जो स्टैंड है उसे भी सिंगल कोट ही हुआ है, तो इतना उसका लुक आपको पता नहीं चलेगा। और ये देखो, यहाँ पर कुछ बर्तन और क्लीन करके गई है आंटी, तो वो बर्तन यहाँ पर ही पड़े हैं, तो ये अभी अच्छे से क्लीन करके रखने हैं। और मैं आपको अंदर का दिखा देती हूँ, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मेस है गाइज, और सारा मेस उठाते उठाते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और उसके बाद अंदर का दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा लगाया है मैंने और दो लाइन नहीं लगी है अभी तक। मतलब जो दो लाइन्स मैंने बोला था ना कि आपको दो ही लाइन लगी है, यहाँ पर भी बहुत सारा मेस है, वो भी उठाना है। जब हम लोग साफ़ सफाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है, फिर वो उठाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो अच्छे से क्लीन करना और वो सब कुछ करना। मेरे घर पे तो जैसे दिवाली ही आ गई है, तो यहाँ पर देखो ये ऐसे रखा है अभी का, बाद में जब अच्छे से रखूँगी तब आपको इसका पूरा टूर दूंगी, किसमें क्या रखा है किसमें क्या रखा है। तो गाइस, जस्ट नहा के आई हूँ और अभी मैं अपना स्किन केयर करने वाली हूँ। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वायम आयुर्वेदा का जो प्योर रोज वाटर है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, उसके साथ साथ आपकी स्किन पे ग्लो भी लाता है,
और प्योर रोज वाटर है ये, आयुर्वेदिक है इसी वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और रोज वाटर के तो कोई साइड इफेक्ट होते भी नहीं है। जैसे आपको स्प्रे करना होता है टोनर के बदले, मतलब टोनर की तरह ही आपको स्प्रे करना होता है, हाइड्रेटिंग टोनर है ये वायम आयुर्वेदा का, प्योर है इसी वजह से आपको बहुत ज्यादा फायदे होने वाले है। क्योंकि रोज वाटर के फायदे तो आपको पता ही होंगे, आपकी स्किन पे ग्लो लाता है, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है, उसके साथ साथ आपके जो रिंकल्स वगैरह है वो प्रॉब्लम दूर करता है। अगर आपके रिंकल्स आ रहे हैं या आ चुके हैं तो आप ये वाला रोज वाटर यूज कर सकते हो डेली एज अ टोनर, मतलब आपके रिंकल्स को ये गायब कर देगा। और बस जस्ट आपको स्प्रे करना है, मुझे तो इसकी स्मेल भी बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब सेम टू सेम गुलाब की स्मेल आती है, जैसे कि हम लोग ने घर पे गुलाब जल बनाया है और वो भी इतनी सारी पंखुड़ियां जमा करके बहुत ही ज्यादा अच्छा है गाइस। बस इसे एब्जॉर्ब होने के बाद मैं यूज कर रही हूँ ये एलोवेरा जेल, और ये एज अ मॉइस्चराइजर भी आप लगा सकते हो, वायम आयुर्वेदा का एलोवेरा जेल, ये भी प्योर 99% प्योर एलोवेरा जेल है। आप इसका कलर देख सकते हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मतलब कोई भी कलर एडिट नहीं है इसमें, कुछ भी केमिकल एडिट नहीं है, तो आपकी स्किन सेंसिटिव भी है आपको ये सूट होने वाला है। और एलोवेरा जेल के फायदे तो आपको पता ही होंगे, आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, उसके साथ साथ अगर आपके पिंपल्स है तो उसे भी ये कम करने में हेल्प करता है, और एज अ मॉइस्चराइजर भी आप इसे लगा सकते हो, उसके बाद एज अ प्राइमर भी आप इसे लगा सकते हो, मेकअप करने से पहले इसे लगा सकते हो, उसके बाद आप मेकअप कर सकते हो, तो एज अ प्राइमर भी ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, एज अ मॉइस्चराइजर भी ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। बस टोनर के बाद इसे अप्लाई कर लीजिए, और इसके ऊपर आप मेकअप भी कर सकते हो आराम से, या ऐसे ही छोड़ सकते हो, अच्छी स्किन हो जाएगी, बेदाग स्किन हो जाएगी, दाग धब्बे है तो उसे भी कम करने में हेल्प करेगा। अगर आपके हल्के फुल्के मेरी तरह ये है डार्क सर्कल है, उसे भी कम करने में हेल्प करेगा, तो काफी अच्छा है गाइज। अगर आपको परचेस करना है तो अभी मानसून में नहीं है, सेल चल रहा है पर्पल पे, तो आप परचेस कर सकते हो। इन दोनों प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पर जाके परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर नहीं पता है आपको तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। सेल में आपको अप टू 50% ऑफ मिल रहा है, और उसपे आप अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे GET100 उसमें भी आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। अगर आप 100 के ऊपर की शॉपिंग करते हो और मिनिमम 700 की शॉपिंग करते हो तो आपको फ्लैट 15% ऑफ भी मिल जाएगा, और उसमें आपको कोड अलग यूज करना पड़ेगा, PRNY ये कोड है वो आपको यूज करना पड़ेगा, उससे आपको फ्लैट 15% ऑफ भी मिल जाएगा, उस सेल का फायदा उठा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं, मैंने सारे डिस्काउंट और जो भी ऑफर चल रहा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। हे गाइस, ऊपर आई हूँ यार, हाँ थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, आपसे कुछ बात करनी है मुझे। हो अजीब सा लग रहा है मुझे, बीमार टाइप से, पता नहीं क्यों, हो सकता है बारिश में भीग गई इसी वजह से, या पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसे, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं मेरे। और हाँ, आप लोग पूछ रहे हो कि, एक मिनट मैं अच्छे से बैठ जाओ फिर आपके सवालों के जवाब देती हूँ। काफ़ी दिनों से क्वेश्चन आ रहे थे दीपाली से रिलेटेड, दीपाली ने कुछ दिन ब्लॉग नहीं डाले थे तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसी वजह से नहीं डाले थे, तो दीपाली को क्या हुआ है, दीपाली ने ब्लॉग क्यों नहीं डाले हैं, तो मैंने सोचा कि दीपाली ही आंसर करेगी इसके लिए, क्योंकि अगर उसका चैनल नहीं होता तो मैं आपको बता देती कि क्या हुआ है उसे, बट उसका चैनल है तो मुझे लगा कि वही आंसर करेगी तो अच्छा रहेगा। अगर आप मुझे पहले से जानते हो तो वैसे भी मुझे किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता है, भले ही मेरा वो भाई है, मेरी वो भाभी है, बट फिर भी मुझे मतलब सबकी अलग अलग लाइफ होती है, सबको अपनी लाइफ जीने का हक होता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी लाइफ में इंटरफेयर करूं कि क्या चल रहा है भाई, क्यों नहीं हो रहा है ये, क्यों नहीं हो रहा है वो, क्यों नहीं हो रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ होती है यार, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, तो उनको कहाँ तक आपके साथ शेयर करना है, कहाँ तक नहीं शेयर करना है, मैं डेली, मुझे इतना टाइम नहीं होता है कि मैं उनसे पूछूं कि ये किया क्या, वो किया क्या, ये हम लोग करें क्या, वो करें क्या, प्लानिंग से कुछ भी नहीं होता है, मुझे इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं उनसे बात करूं। और हाँ, दूसरी बात, मेरे मम्मी का भी कॉल आता है ना, मेरी मम्मी के साथ बात करने के लिए टाइम नहीं होता यार मुझे, मम्मी का जब भी कॉल आता है तो मम्मी को मैं बोलती हूँ कि मम्मी मेरा शूट चल रहा है, मैं थोड़ी देर के बाद आपसे बात करूँ, या मेरा काम चल रहा है मैं थोड़ी देर के बाद आपसे बात करती हूँ,
तो फिर भी मैं भूल जाती हूँ मम्मी से बात करना, फिर मम्मी ही कॉल करती है, अरे तू बोल रही थी ना थोड़ी देर के बाद कॉल करेगी, तो तूने कॉल नहीं किया इसी वजह से मैंने कॉल कर लिया। तो उसको भी बुरा नहीं लगता है, उसको भी पता है मेरी कंडीशन क्या है और मेरा नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से वो इतना टेंशन नहीं लेती है, मेरे घर वाले भी इतना टेंशन नहीं लेते हैं। अगर मैं चार चार पाँच पाँच दिन भी बात नहीं करूँ ना, तो वो खुद से कॉल कर लेते हैं, मेरे कॉल का वेट नहीं करते हैं। तो मुझे हक नहीं है वो कि मैं उनकी पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर करूँ, तो इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं सिर्फ कॉल करती थी कि तबीयत ठीक है नहीं है। दीपाली ने बोला था कि आज तबीयत ठीक है, कल से व्लॉग डालना स्टार्ट करूंगी। लोग पूछते थे यहाँ पर मुझे, तो मैं उससे कॉल करके पूछती थी, बट इतना नहीं डीपली पूछती थी कि क्या हुआ है क्या नहीं है, तो ये सब कुछ नहीं पूछा जाता है। वो नहीं बताने का रीज़न यही है डियर कि आप लोगों को, बहुत लोगों को लग रहा था कि मेरा और दीपाली का झगड़ा हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब झगड़ा किस बात से होगा ये तो बताइए पहले, मतलब आपको ऐसा लगा क्योंकि हमारा झगड़ा हो गया है, मैंने ये बताया नहीं इसी वजह से, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे हूँ, वो वहाँ पे है। और हाँ, बहुत से लोग बोल रहे थे कि आप दीपाली के बर्थडे पे नहीं गई, ऐसा कुछ नहीं है डियर। दीपाली के बर्थडे पे जाने के लिए एक तो मेरे घर पे काम चल रहा है, मतलब चली भी जाती बट मेरे घर पे काम चल रहा है, आपको भी बताया मेरी कंडीशन कैसी है, डेली मैं कितने कितने काम हो रहे हैं, थक जा रही हूँ। तो मुझे घर से बाहर निकलना, मतलब इनकी छुट्टी, तो इनकी छुट्टी नहीं मिलती है इनको, तो इसी वजह से हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। जब भी इनको छुट्टी मिलती है तभी हम लोग बाहर जाते हैं, आपने भी देखा होगा, तो इनकी छुट्टी का प्रॉब्लम होता है, तो इसी वजह से ये लेके नहीं जाते हैं। और इसीलिए दीपाली के बर्थडे पे नहीं जा पाई, और पास में भी नहीं है ना यार, गाँव के गाँव में होता तो चलो ठीक है, मतलब जाके आ जाती, बट वहाँ पर जाना और 2-2.5 घंटे का रास्ता है, उसमें ये इनकी ड्यूटी रहती है, इनकी ड्यूटी में टाइम नहीं मिलता है इनको। और उसमें भी मेरे बर्थडे का उन्होंने प्लान किया था वहाँ पर करने का, बट मेरे बर्थडे पे, खुद के बर्थडे पे मैं वहाँ पर नहीं जा पाई। तो ऐसा होता है डियर, मतलब प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ काम होते हैं, तो हर छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम लोग नहीं जा सकते इधर उधर। पर भाई था, उसके घर वाले थे, मेरे घर वाले थे, तो सबने मिलके उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, आपने भी देखा है बर्थडे ब्लॉग। और रहा मेरे बर्थडे का, तो हम लोगों ने यहाँ पर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था, उन लोगों ने वेट किया, बट मैंने उनको बोल दिया था कि मैं नहीं आने वाली हूँ करके, क्योंकि इनको ड्यूटी से छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो इसी वजह से मेरा बर्थडे भी हम लोगों ने यहाँ पर ही सेलिब्रेट किया था। तो हमारे बीच में कोई भी झगड़े नहीं है डियर, मतलब आप लोगों को जो भी लगता है वो आपकी गलतफहमी है, और हो भी नहीं सकते हैं। इसके बाद भी मैंने आपको दीपाली के ब्लॉग में भी बताया था कि हमारे बीच में झगड़े हो नहीं सकते हैं, ना तो अभी है ना तो होंगे, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन जैसी है, कुछ की अगर गलती भी हो जाए और मैं कुछ बोल भी दूँ तो वो सुन लेगी, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन जैसी है, तो इसी वजह से मैं कभी उसको भाभी जैसे समझती नहीं हूँ, मेरे दोनों भाभी या मेरे लिए बहन जैसी ही है, छोटी बहन जैसी। मैं कुछ भी अगर बोल दूँ ना उन्हें तो दोनों भी सुन लेगी, तो मेरी भाभी या दोनों भी बहुत प्यारी है, तीनों में भी कभी भी झगड़ा नहीं हो सकता है डियर। ये मतलब दिमाग से निकाल ही दो कि दीपाली का और मेरा झगड़ा होगा या कल्याणी का और मेरा झगड़ा होगा। मैं उस टाइप की ननद नहीं हूँ कि भाभियों की लाइफ में इंटरफेयर करूँ या भाइयों की लाइफ में इंटरफेयर करूँ, मैं तो उनको पूरी की पूरी छूट देती हूँ। मेरा ऐसा नेचर ही नहीं है कि मैं रोक टोक करूँ इस चीज़ में या उस चीज़ में, सारी फ्रीडम है उन्हें, मेरी तरफ से तो पूरी फ्रीडम है, क्योंकि मैं ऐसी पर्सन हूँ कि मैं खुद चाहती हूँ कि कोई इंटरफेयर ना करे किसी की लाइफ में। मेरी लाइफ में भी कोई इंटरफेयर करता है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो इसी वजह से मैं उस टाइप की टिपिकल ननद नहीं हूँ कि भाई की जिंदगी में क्या चल रहा है तो वो ताक झाक करके देखूँ, मेरा ऐसा नहीं होता है। मैं तो मेरे दोनों भी भाभियों को, मेरे दोनों भी भाइयों को बोलती रहती हूँ कि इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, एंजॉय करो अपना, आपका एंजॉय करने का अभी टाइम है। मतलब वो टिपिकल टाइप की ननद नहीं हूँ मैं, और हर कोई ननद को ही क्यों बोलता है यार, मतलब ननद, सारी ननद बुरी नहीं होती है, माना कि बहुत सी ननद होती है कि भाइयों की, भाभियों की लाइफ में इंटरफेयर करती है, बट मैं उस टाइप की नहीं हूँ। मैं आपको क्लियरली बता दे रही हूँ कि मेरा और मेरी भाभियों का झगड़ा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो आज मैंने क्लियर कर दिया आपसे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये क्वेश्चंस आ रहे थे गाइज, और मुझे
मतलब एक एक का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो रहा था। और दीपाली की तबीयत ठीक नहीं थी उस टाइम भी, बहुत सारे यही क्वेश्चन थे, दीपाली क्यों नहीं व्लॉग अपलोड करी है, दीपाली की तबीयत ठीक नहीं है क्या, आपका झगड़ा हुआ है क्या, आप बात क्यों नहीं करते हो, दीपाली से आपने बात करना बंद कर दिया है क्या, इतने सारे क्वेश्चन है यार। और उसमें मैं जवाब आपको कैसे दे पाती, मतलब लिख के एक एक को लिख के कितना ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे इतना टाइम नहीं है डियर। वो भी आप कमेंट करते हो, वो सारे के सारे कमेंट मैं पढ़ती हूँ, सारे के सारे कमेंट को अब मैं हार्ट देती हूँ, भले ही वो निगेटिव कमेंट हो या पॉजिटिव हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बंदे ने लिखने के लिए मेहनत की है तो मैं उनको हार्ट दे देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट निगेटिव करो या कमेंट पॉजिटिव करो, आपने भी देखा होगा निगेटिव कमेंट को भी मेरे हार्ट रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो चले गाइज, अगर वीडियो पसंद आता है तो मैं इससे साथ इस ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही अभी आगे ब्लॉग करने के। तो मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और गाइज, इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। आपको मैंने पहले भी बताया, अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पर क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय, ध्यान रखना अपना।